ना मैं भी बोल देना कुछ वाहिगुरु जी का खालसा जी वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे सारे दोस्तों ते सरदार जी दे पुराने बेली ते अजकल दे नौजवान पीढ़ी दे सारे साथियों नू मेरे वनियों सत श्री अकाल जी। बहुत ही वधिया लग्या कि तुसी अज इत्थे आए ते तुसी देखिया होना है कि कम घर दा चली जा रहा हैगा, तो जदों तुसी अगले वारी इत्थे आओगे बहुत ही तुहानू चेंज भी मिलूगा। तो तकरीबन हर साल आपां इस बाजी नू जरूर कराया करांगे, डेट नू भी कोई फाइनलाइज करांगे, देखते हैं कि किस टाइम दे विच हुंदी है, क्योंकि थोड़ा जिहा मैनू ज़्यादातर जिवें हुण तुसी सारे शौक बहुत रखते हो कबूतरां दा, तो मैं डैडी दे नाल छोटा रहिंदा होया नॉलेज मैनू भी बहुत वधिया है, पर मैनू कोई खास शौक नहीं हैगा चीज़ का। बट उहदा मतलब यह नहीं कि जिन्हां नू शौक हैगा ते तुसी उहनां दी भावना नू अंडरसटैंड नहीं करदे। बहुत ज़्यादा अंडरसटैंड करदा क्योंकि तकरीबन छोटे होंदे मैं इस एरिए दे विच रहा जी, छोटा कच्चा घर पहला उधरले पासे हुंदा सीगा, फिर सरदार जी ने इधरली कोठी बनाई इधरले पासे, तुसी उहनां नू देखिया होना है उहनां दे खुड्डे भी इधरले पासे हुंदे सी। सो सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी अज इत्थे आए शिरकत कीती, पर अज थोड़ी जी गर्मी उस कड़ाके दी नहीं हैगी जिहड़ी असीं सोचदे सीगे, जे कड़ाके दी हुंदी ते फिर 12 वजे पटाके पैणे शुरू हो जाणे चाहीदे सी, पर अज मैनूं लगदा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। पर मौसम भी अज मौसम एक्चुअली मैं चंडीगढ़ों कल ही आया, तो चंडीगढ़ तो ही तकरीबन इस तरीके का मौसम हैगा, किणमिण भी सी थोड़ी मोटी कल, तो अज तो वैसे साफ है मौसम। सो एक बार फिर मैं थोनों सारे नू जी आया कहना जी, वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह।